हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चोको लावा केक बनाना बताने जा रही हूँ, जो कि मैं इडली स्टैंड में बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये देखिए इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। ये मैदा, मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। 1 कप हमें चीनी लेनी है, ये भी 1/2 कप मैंने लिया है। 1/2 कप और लेंगे तो 1 कप चीनी हो जाएगी। ये मैंने देखिए 1 टीस्पून मैंने लिया है ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। ये देखिए लिया है मैंने कोको पाउडर, ये कोको पाउडर हम 3 बड़े चम्मच लेंगे, टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून लेंगे कोको पाउडर। ये मैंने 1 लिया है आपको दिखाने के लिए, अभी मैं 2 और लूँगी। ये देखिए 1/4 कप ये चोको चिप्स है। अगर आपको चोको चिप्स नहीं मिलते हैं तो आप डार्क चॉकलेट कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, अमूल, कैडबरी, किसी की भी ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चोको लावा में जो लावा होता है वो बनाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने ये चॉकलेट ले लिया है, आप चाहें तो चॉकलेट ले लें, नहीं तो चोको चिप्स, जो भी आपके पास हो। और इसमें हम गर्म दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा, हमें लगभग 3 बड़े चम्मच गर्म दूध डाल के इसको मेल्ट कर देना है। ये देखिए इसको हमें इसको मेल्ट कर देना है, ये हमें लावा के काम आएगा। इसको हमें पहले ही तैयार कर देना है क्योंकि ठंडा होगा तभी इसका लावा, हमें इसको बीच में इसके फिल करना है। तो ये ठंडा होने पे हम इसको फिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना दूध डालेंगे और ना ही बहुत कम, और एकदम गर्म दूध डालेंगे जिससे कि हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये चॉकलेट दूध में घुल गई है। ये देखिए पीछे बिल्कुल कोट करनी चाहिए, ऐसे इतना दूध डालना है। आप दूध धीरे धीरे करके डालिए, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। और इसको हम साइड रख देंगे, या गर्मी है तो फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी होके थोड़ी जम जाए। तो हम इसको साइड रख देते हैं, अभी बहुत ठंड है, ये वैसे ही जम जाएगी। अब हम केक का बैटर बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छन्नी लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इधर प्री हीट करने के लिए नमक रख दिया है कुकर में। ये हम बेकिंग के लिए ये मैं यूज़ करती हूँ, तो ये नमक रख लेती हूँ बेक करने के बाद। तो वही नमक मैंने कुकर में बिछा दिया है और इसको प्री हीट करूँगी 10 मिनट के लिए। इसको हमें गर्म करना है क्योंकि मैं ये कुकर में बना रही हूँ, इसलिए हमें इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए हमें अब इसका घोल बनाना है। ये मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है, 1.5 कप मैं मैदा डाल लूँगी। और इसी के साथ ही 1 कप हमें चीनी डाल लेनी है, ये अभी 1/2 कप मैंने लिया है। ये देखिए 1/2 कप और मैंने चीनी ले लिया, ये 1 कप चीनी, 1.5 कप मैदा, और ये देखिए 1 कप बेकिंग, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है ये, और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा है, टीस्पून है ये। और ये मैं लूँगी 1/2 चुटकी नमक, ये देखिए नमक ले लिया है। और ये हमें 3 चम्मच लेने हैं कोकोआ पाउडर, 3 चम्मच कोकोआ पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया, ये 2 चम्मच हो गया, और ये 3 चम्मच हमें बिल्कुल आगे से फ्लैट करके डालना है, बहुत भर के नहीं डालना है। ये 3 चम्मच हमने कोकोआ पाउडर डाल दिया है। अब हमें इसको छान लेना है अच्छे से। ये देखिए हमने इसको छान लिया, और ये जो मोटा हिस्सा पार्ट होता है मैदे का और चीनी का, ये सारा इसमें रह जाता है, तो हमें इसीलिए छानना बहुत ज़रूरी है। इसको अब हम हटा देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल लेंगे। आपके पास सनफ्लावर या जिसमें भी कोई फ्लेवर ना हो वो ऑयल डालना है। तो ये 3 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल के डाल लिए हैं। ऑलिव ऑयल डालना ज़रूरी है क्योंकि हम एग का विदाउट एग बना रहे हैं, और हमें इसको ना हम माइक्रोवेव में भी नहीं बना रहे हैं, हम इसको कुकर में बनाएंगे। तो हमें ऑलिव ऑयल डालना इसीलिए ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से फ्लफी बन जाए। और हम इसमें बटर वगैरह भी नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा प्री मिक्स भी तैयार है, आप चाहें तो इसको ऐसे बना के रख सकते हैं। आप कभी भी जब मन करें आप इसमें ऑयल मिलाइए, पानी मिलाइए और इसको रेडी कर दीजिए। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको बनाएंगे, एक साइड ही हम मिक्स करेंगे। अगर सीधा चला रहे हैं तो सीधा, अगर उल्टा चला रहे हैं तो उल्टा ही, दोनों तरफ हमें नहीं चलाना है। ये 1 कप पानी है, पानी हम धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा 1 कप लगभग पानी लग गया है इसमें, और हमें ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए ऐसे फ्लो करना चाहिए, तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको, हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको जो इडली प्लेट है इसको हम ग्रीस कर लेंगे क्योंकि हमें इसी में फिल करना है। ये देखिए इडली प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे ऐसे सारी,
अब हम इसमें ये देखिए ये अपना बैटर हाफ हाफ फिल करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं फिल करना है, पहले हाफ फिल करना है क्योंकि हमें इसके ऊपर से थोड़ा सा और डालना होगा। ऐसे हम सारे प्लेट्स को, इडली प्लेट्स को फिल कर लेंगे हाफ हाफ। ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें बीच में ये थोड़ा थोड़ा ये फिल कर देंगे सारे जितने हमने ये भरे हैं इडली स्टैंड में, उसमें सब में ये बीच में फिल कर देंगे। फिर इसके ऊपर से थोड़े थोड़ा थोड़ा हम इसको ढक देंगे, बस हमें ये करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें इसको ढक देना है लेके। ये देखिए अब हमने स्टैंड में लगा दिया है, अब हम अपने प्री हीट जो हमने कुकर किया है उसमें रखेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा प्री हीट कुकर है, इसमें हमने नमक डाल दिया है और इसको हम रख देंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए कम से कम पकने देंगे, लो स्लो एकदम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। हमने कुकर की सीटी निकाल दी है और कुकर की जो ये होती है रबड़, वो दोनों निकाल के और हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसको 20 मिनट के लिए हमें इसको लो फ्लेम पे इसको ऐसे ही पकने देना है। फिर हम इसको चेक करेंगे टूथपिक डाल के, अगर टूथपिक साफ़ निकलती है तो इसका मतलब हो गया है, नहीं तो हम इसको फिर से 2-4 मिनट के लिए कर देंगे, तो हम इसको 20 मिनट पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 20 मिनट हो गया है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये चोको लावा केक तैयार हुआ है कि नहीं। हो गया है, अब हमारा साफ़ निकल ली बिल्कुल स्टिक, अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड अब हमने इसको निकाल लिया एक प्लेट में, पहले इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने डीमोल्ड कर दिए हैं और बहुत ही स्पंजी बने हैं ये हमारे चोको लावा केक इडली स्टैंड में। इनको हम ऐसे लगा लेंगे, बहुत ही स्पंजी हैं, थोड़ा ठंडा होने पे ही निकाले, मैंने गर्म में भी निकाला था तो टूट गया है, इसलिए गर्म में मत निकालें, ठंडा होने पे निकालें। ये देखिए फ्रेंड, हमारा चोको लावा केक तैयार है। आसानी से आप कुकर में इडली स्टैंड में बना सकते हैं, आपके पास अगर बनाने के लिए माइक्रोवेव वगैरह नहीं है तो आप कुकर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड आपको मेरी ये चोको लावा केक की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।